हे यूट वेलकम माई चैनल कुलवेंट। तो आपने तो म्यूजिक को सुन लिया होगा, तो ये म्यूजिक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसको प्ले करने के लिए मैंने चाहा तो सोचा कि आपको इसके टैप्स ही बता दूं, लेकिन इसमें ट्रिक है कि आपको ऑल्टरनेट पिकिंग आने चाहिए। अगर आपको ऑल्टरनेट पिकिंग नहीं आ रहा है तो ये गाने में उतना ज़्यादा फील नहीं आएगा। तो आप पहले ऑल्टरनेट पिकिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप इस गाने के साथ साथ उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए, देन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो म्यूजिक है इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है प्ले करने में, बस एक पॉइंट पे आता है जहाँ पे आपको अल्टरनेट पिकिंग करना है, वो भी फुल रिदिम के साथ। तो पहले उसका कौन कौन से नोट लगते हैं उसको देख लीजिए। तो ये शुरू होता है अपना जी स्ट्रिंग 7th फ्रेट से, यहाँ से, देन फिर वही। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देन उसमें इस गाने के ऊपर और कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। तो और एक बार देख लीजिए, देन तो आप ऐसे धीरे धीरे अगर एक बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लोगे देन फिर वो स्पीड अपने आप हो जाएगा। तो पहले धीरे से कीजिए, देन अपने आप वो स्पीड बिल्ट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, तो ये कहां से शुरू होगा, ये शुरू होगा जी स्ट्रिंग 5th फ्रेट से, देन तो ये कैसा साउंड करेगा। तो ये था इसका कंप्लीट टैब्स। अगर फिर भी कोई भी क्वेरीज या फिर डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा का लिंक है, वहां पे जाइए, मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। और अगर कोई भी गाने का टैब्स या फिर कोर्स आपको चाहिए, चाहे वो ओपन फॉर्म में हो या फिर बार फॉर्म में हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा। और गिटार को लेके कोई भी क्वेरीज या फिर अगर आप मेरे से पर्सनली गिटार ऑनलाइन के थ्रू सीखना चाहते हैं तो टेक्स्ट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना, स्टे ट्यून एंड अगेन प्लीज़ यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।